Hello students, today I am going to show you how you can represent a sparse matrix using linked list. In the previous class, we have seen to implement sparse matrix using three column representation. So I am going to take the same example and then we will see how to represent it using three column linked list representation. So first, before seeing how to implement in the linked list form, there are three different types of structures that are used in representation of sparse matrix using linked list, and these structures are: first is head node. जैसे column representation में head node के अंदर total number of rows, total number of columns and total number of elements है, similarly यहाँ पर भी वही चीज़ है, total number of rows, total number of columns, total number of non-zero elements and the pointer which will point to the first row of the matrix. So this is basically a pointer which is pointing to the first row of the matrix. Then we have row node. Row node contains three information values. First is row number, then pointer to next row and pointer to column. So this is the row number, this is pointer to next row and PC is the pointer to column. उसी रो के कॉलम जिसमें नॉन जीरो वैल्यू है उसको पॉइंट करता है. एंड द थर्ड इज कॉलम नोड. कॉलम नोड आल्सो कंटेन्स थ्री वैल्यूज. फर्स्ट इज कॉलम नंबर, दैट हैज नॉन जीरो वैल्यू, देन द वैल्यू एंड पॉइंटर टू नेक्स्ट कॉलम विच हैज नॉन जीरो वैल्यू. ये हो गया आपका कॉलम नंबर, दिस इज द नॉन जीरो वैल्यू एंड दिस इज द पॉइंटर टू नेक्स्ट कॉलम इन द सेम रो दैट हैज नॉन जीरो वैल्यू. तो ये तीन स्ट्रक्चर्स हैं जो यूज़ होते हैं स्पार्स मैट्रिक्स की लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन के लिए. सो नाउ वी विल ड्रॉ द लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सेम एग्जांपल विच वी हैव सीन इन द थ्री कॉलम रिप्रेजेंटेशन. तो ये एग्जांपल को लेके हम रिप्रेजेंट करेंगे अब. सो सबसे पहले क्या आएगा हमारे पास, हेड नोड आएगी. हेड नोड विल कंटेन्स टोटल नंबर ऑफ रोज. टोटल नंबर ऑफ रोज आर हाउ मैनी, वी हैव फोर नंबर ऑफ रोज. सो वी विल राइट फोर. टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स आर फोर, सो वी विल राइट फोर. टोटल नंबर ऑफ नॉन जीरो सिक्स एंड देन दिस विल पॉइंट टू द फर्स्ट रो ऑफ द स्पार्स मैट्रिक्स. और फर्स्ट रो क्या है इस केस में हमारे पास, रो जीरो. सो इट विल पॉइंट टू रो जीरो. देन वी विल हैव व्हाट, पॉइंटर टू नेक्स्ट रो एंड नेक्स्ट रो इज रो वन. सो राइट हेयर रो वन एंड देन द पॉइंटर टू कॉलम विच कंटेन्स नॉन जीरो एलिमेंट. अब इसमें देखिए कौन सा कॉलम में नॉन जीरो है, वन. सो यहाँ पे आएगा वन. देन अगेन दिस विल पॉइंट टू रो वन एंड रो वन विल पॉइंट टू नेक्स्ट रो विच इज रो टू. और इसमें देखिए कितने कॉलम्स में है, दो कॉलम में है. तो पहले हम लिखेंगे फर्स्ट कॉलम की विच इज कॉलम जीरो. अभी देखेंगे इसके आगे कैसे करते हैं. पहले हम रो का बना लेते हैं, देन वी हैव दिस टू थ्री वन
इसके अंदर सिर्फ पॉइंटर होता है, मैंने सिर्फ मेंशन कर दिया इससे आपको पता लग जाए कौन से कॉलम पे जाएगा। तो दिस इज़ बेसिकली अ पॉइंटर, इसमें कोई वैल्यू नहीं होती है, इट इज़ एक्चुअली अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट कॉलम। तो अब हमने रोज़ के लिए ड्रॉ कर लिया है, अब देखते हैं इसमें आगे कैसे होगा। देखिए यहाँ पे आएगा आपका कौन से कॉलम में है। अब रो वन में कॉलम नंबर वन में है तो दिस विल पॉइंट टू कॉलम नंबर वन एंड द नॉन ज़ीरो वैल्यू इज ऑल्सो वन। इसके बाद क्या होता है कि इट विल पॉइंट टू द नेक्स्ट कॉलम इन द सेम रो डेट इज नॉन ज़ीरो एलिमेंट। बट इसमें ऐसा कोई सा भी कॉलम नहीं है फर्स्ट रो में जिसमें नॉन ज़ीरो है, तो ये नल पॉइंटर हो जाएगा इसका। इसमें देखते हैं रो वन में फर्स्ट इट विल पॉइंट टू कॉलम ज़ीरो वैल्यू इज फाइव एंड द नेक्स्ट कॉलम दैट इट विल पॉइंट टू, इट विल पॉइंट टू दिस कॉलम सो टू और द पॉइंटर वैल्यू, देन द कॉलम इज टू वैल्यू इज फोर एंड देन नल पॉइंट। सिमिलरली दिस विल पॉइंट टू विच कॉलम, कॉलम वन वैल्यू इज टू एंड दिस विल पॉइंट टू कॉलम थ्री वैल्यू इज थ्री देन द नल पॉइंटर एंड दिस विल पॉइंट टू कॉलम वन वैल्यू थ्री एंड देन नल पॉइंटर। सो दिस इज हाउ यू विल रिप्रेजेंट अ स्पार्स मैट्रिक्स यूजिंग लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू द यूट्यूब चैनल फॉर मोर ट्यूटोरियल्स ऑन डाटा स्ट्रक्चर एंड अदर कंप्यूटर साइंस रिलेटेड सब्जेक्ट्स। थैंक यू।